Hello students, today we will do our next poem, The Snake Drawing, written by W.W.E. Ross. First of all, हमारे पास लिखा है, most of us think of snakes as fearsome symbols of death, but the snake in this poem is itself a victim. मतलब ये है कि normally हम सभी लोग सांप को एक डेथ का सिंबल समझते हैं, उसको हार्मफुल समझते हैं, उसको डरावना समझते हैं कि वो हमें मार डालेगा. लेकिन इस पोएम में सांप खुद डर रहा है, वो खुद एक विक्टिम है. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम. द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक. स्नेक ट्राइंग, स्नेक ट्राई कर रहा है किसको, टू एस्केप, एस्केप मैंने बचना, क्या बचना, द परस्यूइंग स्टिक. परस्यूइंग मतलब फॉलोइंग स्टिक, यानी कि पीछा करती हुई एक डंडे से जो सांप है वो बच रहा है. विथ सडन कर्विंग्स इन थिन लॉन्ग बॉडी. सडन कर्विंग, कर्विंग आपको पता है ना सांप कैसे चलता है, एकदम मुड़ मुड़ के, कर्ल्स के साथ, कर्व्स के साथ. तो वही कह रहा है कि वो सडन अपनी बॉडी में कर्व्स दे रहे हैं, थिन पतली सी लंबी बॉडी में, जैसे आपको पता ही है उसकी कैसी मूवमेंट रहती है. हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. कितना सुंदर, कितना एलिगेंट, कितना प्यारा लग रहा है उसकी शेप, कितनी अच्छी लग रही है ऐसे कर्व करते हुए. ही ग्लाइड्स थ्रू द वॉटर अवे. ग्लाइड्स मीन्स स्लोली मूव करना. ही स्लोली मूव्स थ्रू द वॉटर, पानी के बिल्कुल साइड से वो कितनी आराम से स्लोली स्लोली मूव कर रहा है. फ्रॉम द स्ट्रोक ओ लेट हिम गो, मतलब किनारे से बिल्कुल आराम से वो कैसे हिट करता हुआ स्लोली मूव कर रहा है. ओ लेट हिम गो ओवर द वॉटर इन टू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. अब कह रहे हैं कि लेट हिम गो, उसे आराम से जाने दो ओवर द वॉटर, वॉटर के पास से, इन टू द रीड्स. रीड्स क्या होता है, जो वॉटर प्लांट्स होते हैं, वॉटर प्लांट्स के पास, वॉटर प्लांट्स के थ्रू उनको जाने दो टू हाइड, ताकि वो उसमें जाके छुप जाए विदाउट हर्ट और उसको हर्ट ना हो. क्योंकि अभी सांप डरा हुआ है ना, उसको कोई पीछा कर रहा है, उसको कोई मारना चाह रहा है डंडे से, तो वो क्या है अपनी, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है. पोएट अगर ये चीजें देख रहे हैं तो वो बता सकते हैं कि वो हार्मफुल नहीं है, बल्कि वो तो खुद डरा हुआ है और वो कैसे अपनी स्लोली मूवमेंट से, कैसे वाटर के किनारे किनारे से, वाटर प्लांट्स के पास से गुजर के अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है. स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस. छोटा है, ग्रीन है, हरा सा, प्यारा सा, हार्मलेस, बिल्कुल भी हार्म पहुंचाने वाला नहीं है. इवन टू चिल्ड्रन, बच्चों को भी कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है. अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड. अलोंग द सैंड, पहले वो पानी के पास निकला था, अब वो अलोंग द सैंड, सैंड के किनारे से ही ले, ले मीन्स लाई डाउन, वो वहां पे छुप रहा है, वहां पे लेटा है. अंटिल ऑब्जर्व, जब तक कि उसको देखा ना गया हो, जब तक उसको ना देखे. एंड चेस्ड अवे, उसका पीछा ना करें. एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स. लेकिन उसको देख लिया गया तो वो दोबारा से भाग गया. वैनिशेस, वैनिशेस मीन्स गायब हो जाना, गायब हो गया किसमें, इन द रिपल्स. रिपल्स क्या होते, जैसे आप पानी में कोई पत्थर वत्थर डालते हैं तो उसकी वेव्स प्रोड्यूस होती है ना एकदम उसकी साइड में, सो दैट इज रिपल्स, दैट आर वाटर वेव्स. तो वाटर वेव्स में वो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है. अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. ग्रीन, ग्रीन मतलब वही हरे, स्लिम मतलब वही स्लिम, हल्के पतले, सॉफ्ट टेंडर. रीड्स मतलब वाटर प्लांट, वाटर प्लांट्स, उन वाटर प्लांट्स में वो कहीं पे गायब हो चुका है, गुम हो चुका है, उन सब के बीच में छुप चुका है. सो दिस पोएम सेज कि जो एनिमल्स हैं, या जो अगर हम स्नेक्स की बात करें तो वो खुद विक्टिम भी हो सकते हैं. हमारी नज़र में वो सिर्फ हमें हानिकारक पहुंचाने वाले होते हैं, लेकिन वो खुद की लाइफ में भी डरते हैं. सब सांप एक जैसे नहीं होते, सब हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, ये वाला हार्मलेस है, तो इसलिए इसको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है. सो दिस इज द पोएम. तो इसलिए टाइटल हमारा जो है बिल्कुल सुइटेबल है, द स्नेक ड्राइंग. ये स्नेक बिल्कुल ट्राई कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए. होपफुली यू गॉट द मीनिंग ऑफ द पोएम. नाउ यू हैव टू ट्राई द वर्कशीट एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.